हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो लॉग है वॉकिंग जो हम करेंगे फ्रॉम अनंत विहार टू सिद्धार्थ नगर, अनंत विहार लोखंडवाला टू सिद्धार्थ नगर ठाकुर विलेज के पास में। देखते हैं चल के जाने में वॉकिंग में कितना टाइम लगता है और फिर मैं आपको इसका अपडेट भी बता दूंगा। बीच में अभी लोखंडवाला का जो मेन जो एंट्रेंस है वहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश की है अथॉरिटीज़ ने, लेकिन बीच में रास्ता नहीं बन पाया है वो, क्योंकि वहाँ पे लोगों के घर हैं। तो अगर वो घर रीडेवलपमेंट में जाते हैं, अगर उनको कहीं रीलोकेट किया जाता है उनको, अगर वो लोग हो जाते हैं रीलोकेट, तो फिर ये रास्ता कनेक्ट हो जाएगा ठाकुर विलेज के साथ में, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी सभी के लिए। कनेक्टिविटी लोखंड वाले के जो भी रेसिडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी हो जाएगी कनेक्टिविटी हाईवे जाने के लिए, क्योंकि अभी करंटली हनुमान नगर से जाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और बहुत ज़्यादा जाम रहता है वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे। और दूसरा रास्ता है कुरार विलेज से, तो कोई पॉइंट नहीं बनता वहाँ से जाने के लिए। बाइक से जा सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा क्रेटर्स हैं वहाँ पर, पोर्ट होल से बड़े बड़े से। तो अभी मैं चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं। और ये तो जो भी यहाँ पे रहते होंगे वो कॉमन है उनके लिए रूट, टू व्हीलर्स के लिए खुल गया है वो रास्ता, लेकिन रिक्शा भी जाते थे बीच में, लेकिन रिक्शा अभी वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए तो रिक्शा भी बंद है, तो सिर्फ टू व्हीलर्स निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए आप, और मैं आपको अपडेट देता हूँ मैं कितना टाइम लगा मुझे। मैंने टाइम भी नोट नहीं किया मैंने कितना होगा अभी, शायद अभी देखते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:35, तो ठीक है देखते हैं अपन। मैं अपना पेस रखता हूँ मैं चलने का, आपको अपडेट देता रहा मैं बीच में, और वीडियो में पूरा बने रहिए, देखिए आप पूरा वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये लोखंडवाला का सर्कल तो बोला जाता है यहाँ पे, और वहाँ पे सेंटर मॉल है, सॉरी दाओ, वहाँ पे सेंटर मॉल है और ये लोखंडवाला का सर्कल है यहाँ पे। लेट्स वॉक वॉक वॉक। लेट्स वॉक ऑल द वे। और ये है लोखंडवाला टाउनशिप में आने के लिए, अंदर जाने के लिए, मतलब ये वो जंक्शन है, यहाँ से लोखंडवाला टाउनशिप की एंट्रेंस होती है। और ये सेम रोड जो है ये हनुमान नगर के लिए जाता है और ये दामन नगर के लिए जाता है, और ये सेम रोड यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है ठाकुर विलेज के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए, लेकिन बीच में नहीं बन पाया है ये रोड, और वो जो बिल्डिंग है वो सरपंच जी पॉलन जी की समता नगर में बिल्डिंग है, वो काफ़ी इस रोड से काफ़ी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा और लोग आसानी से यहाँ से आ जा सकते हैं लोखंड वाले टाउनशिप के रहवासी और ठाकुर विलेज के रहवासी। इस रोड की कनेक्टिविटी से यह होगा कि एमरजेंसी अगर कुछ भी अगर होगा इस एरिया में लोखंड वाला में, तो लोग डायरेक्ट आसपास के हॉस्पिटल जा सकते हैं, और काफ़ी कुछ सुविधा बढ़ जाएगी लोखंडवाला टाउनशिप की, रेट्स भी, प्रॉपर्टी भी अच्छी ऊपर चली जाएगी इससे, और सबके लिए सुविधा हो जाएगी। होप सो प्रशासन इसके लिए कुछ करेगा, इतना तो इन्होंने कर दिया, इतना सब कुछ बना के, सो थैंकफुल टू देम। बस बीच के लोग जो है मान नहीं रहे हैं, तो अभी बाइक्स तो देखिए आप, टू व्हीलर्स आ जा रहे हैं आराम से। मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था ये जो पैच वर्क है, मतलब सॉरी ये जो रोड है चल के जाने के लिए कवर करने के लिए, मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से, तो आज मैं कर पा रहा हूँ। और आज तारीख है 20 अगस्त 2023, और वो जो आपको जो दिख रहा है सामने, वो ठाकुर का कॉलेज है, वो जो सामने दिख रहा है वो वाला।
हाँ वो ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज शायद हो। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अपडेट दे दूँगा कितना किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया और कितना टाइम लगा इसके लिए जाने के लिए। बहुत से देखो फोर व्हीलर भी आते बेचारे, वो उनको लगता है कि रोड चालू होगा वहाँ जाने के लिए, लेकिन यहाँ आके फिर उनका भी पचका हो जाता। देखो वो अभी रिटर्न मार रहे हैं वापस, उनको फिर हनुमान नगर या दामोनगर से जाना पड़ेगा। दिस इज़ द रियल ब्यूटी, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ बहुत प्यारा है। तो ये वो है रोड ब्लॉक, अभी तो रिक्शा वाले कंफ्यूज हो जाते बेचारे, आते हैं यहाँ तक वो लोग भी, उनको भी रिटर्न मारना पड़ता है। अभी यहाँ पे बैरिकेड डाल दिए, पोस्ट डाल दिए यहाँ पे, ये देखिए इसी इंप्रेशन में रहते हैं, इंप्रेशन में रहते हैं कि भाई खुला मिलेगा। ये देखिए इनको भी रिटर्न मारना पड़ रहा। अब इनको कुछ ऑफर्स दिए होंगे, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। अब ये सेम ये जो है रोड, पूरा का पूरा स्ट्रेट ये रोड ठाकुर विलेज में ऐसा सीधा निकलता है। तो ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है यहाँ पे। होप सो यहाँ के जो रहवासी हैं वो लोग भी मान जाएं, राज़ी हो जाएं, जिससे ताकि जिससे ये कनेक्टिविटी बढ़ जाए यहाँ पे। आप इधर से भी ऐसे जा सकते हैं और इधर से भी ऐसे जा सकते हैं। तो यहाँ से आके आए आप, आपने राइट मारा, राइट मार के आप वापस से फिर डायरेक्टली लेफ्ट मारिए इधर ऐसा, और सीधा जाना है यहाँ से। सीधा जाओगे तो आपको फिर वो देखो कॉलेज का इंजीनियरिंग रोड मिल जाएगा आपको सीधा, वो कनेक्शन हो जाएगा उसका। टू व्हीलर्स तो आराम से निकल जा सकता है यहाँ से। ये सिंह एस्टेट है और सिंह एस्टेट का रोड है ये, और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे और ठाकुर कॉलेज के पास में। ठाकुर कॉलेज का रोड है ये, अभी यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो फिर जंक्शन पे पहुँच जाएंगे ठाकुर विलेज के, जो फर्स्ट जंक्शन लगता है हाईवे से जब आप आते हो वाया समता नगर, तो वो जंक्शन है ये, आगे जाके मिलेगा। ओके तो ये है ठाकुर का इंजीनियरिंग कॉलेज। और चलने में काफ़ी अच्छा आनंद आ रहा है मुझे, और मेरी बहुत टाइम पहले की इच्छा थी कि इस डिस्टेंस को मैं चल के कंप्लीट करूं। तो लिखा है यहाँ पे ठाकुर, वेलकम टू ठाकुर विलेज, ठाकुर गांव, और वो सरपंच जी पलन जी की टावर्स है अल्पाइन शायद। तो हम आ गए यहाँ चौक पे, और ये हाईवे से आता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से वाया समता नगर और ठाकुर विलेज को निकल जाता है, और यहाँ पे है अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से दामोनगर भी जा सकते हैं और अपना लोखंड वाला भी जा सकते हैं बीच के रास्ते से। अभी आके जाएंगे हम जैसे ही, ये पूरा ठाकुर विलेज का मेन रोड है ये ठाकुर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, या जंक्शन बोल सकते हैं दूसरा वाला बीच का ये। और इसी दौरान मैंने सफ़र के दौरान मैंने जॉकी का जो आउटलेट है वहाँ से मैंने सामान भी ले लिया, मेरा सॉक्स एंड टी शर्ट्स, और इसमें मुझे मैंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया वहाँ पे, फटाफट मैं परचेसिंग कर ली है। कुछ टोटल 8 मिनट लगे, तो मैं वो 8 मिनट को डिडक्ट करूँगा मेरा जो ट्रैवल टाइम है
लोखंडला टाउनशिप से सिद्धार्थ नगर तक के लिए। और ये सवाना टावर्स है, सवाना टावर्स, और ये रहेजाज है, एंड ये थर्ड सर्कल है यहाँ का, ठाकुर विलेज का, और उसके यहाँ बगल में ही फिर यहाँ पे सिद्धार्थ नगर है। तो ये डिस्टेंस कवर किया मैंने 3 किलोमीटर के आसपास फ्रॉम अनिथ विहार लोखंडवाला टाउनशिप तो सिद्धार्थ नगर, और उसमें से मैंने परचेसिंग भी की है जैसे मैंने आपको बताया। और ये मुझे लगा है ऑन एन एवरेज आधा घंटे के आसपास 3 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर कवर करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। और यस, आप भी आ सकते हैं, वॉकिंग पसंद करते होंगे या फिर साइकिलिंग या फिर टू व्हीलर से, सो लेट्स होप सब लोग राजी हो जाएं और वहाँ पे रास्ता बनाने के लिए अथॉरिटीज को लिए इजी हो जाएगा। तो ये कनेक्शन काफ़ी इजी हो जाएगा सबके लिए, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। एंड थैंक्स टू दी सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर्स, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बताना भूल गया मैं वीडियो के अंदर कि मैं जब भी जहाँ पे भी खड़ा होता हूँ या चलता हूँ, मैं नीचे रास्ते पे नज़र मारते हुए चलता हूँ, तो खील व्हील अगर कुछ दिखती है मुझे तो मैं उसको तुरंत उठा के साइड में कहीं ना कहीं पेड़ के पास में या फिर किनारे पे या फिर ऐसी जगह फेंकता हूँ ताकि किसी जगह टायर पंचर ना हो। मैंने ये बहुत बार किया हुआ है, आप भी इस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत बड़ी परेशानी टल जाती है। और किसी ने दारू पिया है और मेहरबानी करते हैं लोग दारू पीने वाले भी। और यस, मैं वो कील कुछ भी रहती है स्क्रू, मैं उसको तुरंत उठा के साइड कर देता हूँ, फेंक देता हूँ मैं। तो आप भी इसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।